災よ。दो साई तुम ही पार काम ले हाथ में साई मोरे पतवार मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार परम ज्ञान का भर दे अंजन अलक निरंजन साई राम अज्ञान ठीक है आप चिंता मत कीजिए। सब हुआ कैसे? आप लोग तो नासिक गए थे ना शादी के लिए? बहुत मारा, मारते रहे, बेरहमी से मारते रहे, और गहने भी ले गए। कृष्णा, तुम हमें बताओ क्या हुआ? परसों हम सुबह सुबह नासिक के लिए निकले तो रास्ते में डकैतों ने हमारा रास्ता रोका और लूटपाट शुरू कर दी और हमें पीटा भी। सब कुछ
कुछ लूट लिया, उन्होंने एक गहना भी नहीं छोड़ा। मेरी बेटी की निशानी थे वो गहने। साईं, एक पल में सब कुछ उध्वस्त हो गया। डकैतों ने सिर्फ पैसे और गहने ही नहीं बल्कि मेरी पोती की खुशियां भी लूट ली। माई शांत हो जाइए आप। हम सब समझते हैं कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम अभी भी अशोक को उनके घर वालों को समझा सकते हैं कि ये सब बस एक दुर्घटना थी। वो समझ जाएंगे। और शादी क्या, दूसरी तिथि निकल सकती है। कोई फायदा नहीं पाटिल साहब, कोई फायदा नहीं। मैं जब होश आया तो सोचा हम बच तो गए, चलो शादी में चलते हैं, उन्हें सब बता देंगे। लेकिन जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कम से कम हम लोग यहाँ पहुंच तो सके। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे बेटे के लिए बहुत दूर दूर से, वो भी बड़े परिवारों से रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने इसे चुना। क्यों? क्योंकि हमें लगा कि एक आश्रित लड़की को हमारे घर की बहू बनाकर हम शायद उसका भला कर सके। और वैसे भी शादी के खर्चे के लिए आपने हमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। शादी में वरदक्षिणा की महत्वपूर्ण रस्म होती है। वरदक्षिणा नहीं तो शादी भी नहीं। इसमें हमारी क्या गलती है? वो डकैतों ने सब कुछ छीन लिया हमसे। मैं कहा सारा दोष आपके सर लगा रही हूँ, लेकिन दोष तो मेरे बेटे का भी नहीं है इसमें। इतना सब कुछ कर रहे थे इस लड़की के लिए, बदले में वरदक्षिणा की उम्मीद तो जायज थी ही। बेटा, तुम भी कुछ बोलो। तुम्हें भी तो मेरी कृष्णा पसंद थी ना? आई, वरदक्षिणा जरूरी है क्या? इनके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है और उस पे अगर हम... तू अपना मुंह बंद रख, मैं उनसे बात कर रही हूं ना। और वैसे भी अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई और तू मुझ पे ही सवाल उठा रहा है। आई जो फैसला करेगी वही मेरा फैसला होगा। मुझे अपने घर में कोई कलह नहीं चाहिए और कोई तमाशा भी नहीं चाहिए। अच्छा होगा कि आप लोग यहां से लौट जाइए। ऐसा मत करिए। इस एक हफ्ते में मेरी पोती ने बहुत सपने देखे हैं, उन्हें मत ठुकराइए। इसकी जिंदगी में पहली बार उसने खुशियों की उम्मीद देखी है, उस खुशियों को मत तोड़िए।
तीनों ने सुना नहीं मेरे अशोक ने क्या कहा? लौट जाओ, कोई है इन्हें बाहर तक छोड़ आओ। जख्मों पे मलम लगाने के वजह उन्होंने और ही गहरे घाव दे दिए। देखिए आप सब लोग इस बात का शुक्र कीजिए कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप लोग सुरक्षित हैं, और ये जो शादी टूट चुकी है इसका अफसोस मत कीजिए आप। और आप सब इस बात का भी शुक्र कीजिए कि उन लोगों का असली रूप आपको अभी नजर आ गया। हमारी कृष्णा की किस्मत में इससे भी अच्छा घर होगा। राम जी भला करें। कुछ नहीं करते आपके राम जी, कुछ नहीं। मेरे बाबा चले गए, आपके राम जी ने क्या किया? कुछ नहीं। मेरी आई गुजर गई, आपके राम जी ने क्या किया? कुछ नहीं। एक उम्मीद नजर आई थी जब मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन इससे पहले कि मेरा ये सपना सच हो पाता सब छीन गया। आपके राम जी ने क्या किया? कुछ नहीं। अगर कुछ करते ही नहीं है तो मैं नहीं मानती ऐसे किसी भी राम जी को, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि भगवान होते ही नहीं है। बस लोगों को झूठी आशाओं पर जिंदा रखने के लिए नाम है ये, और कुछ नहीं। कृष्णा, हम सब तुम्हारा दुख समझ सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम जितना शांत रह सकोगी उतना। नहीं रह सकती मैं शांत, नहीं रह सकती। बहुत रैली काकी, और मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ। अगर भगवान होते तो अच्छे लोगों के साथ इतना बुरा नहीं होता। आपने कहा था ना, एक दिन आरती में मेरी कमी महसूस होगी। ठीक कहा था, क्योंकि आज के बाद मैं किसी भी मंदिर में पैर नहीं रखूंगी। आज के बाद ईश्वर मेरे जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। कृष्णा, कृष्णा बेटी, कृष्णा बेटी, साईं, तुम तो पहले से जानते थे ना कि ऐसा होगा, पर तुमने कृष्णा को रोका क्यों नहीं? भाईजा मां, मैंने कहा था ना, हमें लगता है कि दुनिया हम चला रहे हैं, हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन कर्म और उसका फल तो मालिक तय करता है। पहले कृष्णा के मामा मामी ने अपने बेटी का रिश्ता तय करना चाहा, फिर कृष्णा की आजी को लगा
कि कृष्णा का रिश्ता होना चाहिए। सबने नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहा। लेकिन फिर भी कृष्णा ने कुछ नहीं किया। सजा तो उसे ही भुगतनी पड़ी ना। वो कह गई ना कि हमेशा अच्छों के साथ ही बुरा होता है। आपने कभी इली को देखा है बायजामा? हाँ। वो अपने को अपने ही रेशम के कोष में बंद कर लेता है। कितनी तकलीफ होती है उसे। उसका पूरा शरीर जैसे एक नया रूप लेता है। इतना बड़ा परिवर्तन देखने वाले को लगता है कि ये इली के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। कितनी तकलीफ होती होगी उसे। लेकिन असल में ये तो एक प्रक्रिया है बायजामा। रंग बिरंगी खूबसूरत तितली बनने की प्रक्रिया, जिसे मनुष्य कष्ट समझता है, वो दरअसल उसके परिवर्तन का समय होता है। कृष्णा भी ऐसे ही एक समय से गुजर रही है। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये इस घर से विदा होगी उसी दिन से इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अब इसकी शादी टूटे या माथा फूटे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस घर में वापस नहीं रह सकती। जी लोग देख रहे हैं, क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है सोचे, बाहर में जाए सब। कैसे स्वार्थी औरत है तू, जिसे अपने अहंकार के सामने किसी की तकलीफ नजर ही नहीं आती है। इसकी हालत देख, कहां जाएगी ये बिचारी। मैंने इसका ठेका नहीं लेके रखा है। इसको जहां जाना है जाए, जो करना है करे, जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्या, कृष्णा तेरे बहन की बेटी है, अरे समझा अपनी बीवी को। आप कुछ मत बोलिएगा, आज एक नहीं सुनूंगी मैं आपकी। इससे मेरी बेटी का दिल दुखाया है। बड़ी इतरा रही थी ना कि बड़े अफसर से शादी होगी, अब इसे उसका नतीजा भुगतने दीजिए। और अगर आपको और आपकी माता जी को इसे यहां रखना ही है, तो फिर मैं और मेरी बेटी यहां से चले जाएंगे। जिस घर में हमारी इतनी बेइज्जती हो, हम उस घर में रहें भी तो कैसे। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मुझे किसी के झगड़े में नहीं पड़ना है। जिसे जो करना है करे। मेरे होते हुए कृष्णा कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको इससे इतना ही मोह है ना, तो आप भी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहां से जा सकती हैं। अज्जे, मेरे यहां से चले जाने में मेरी भलाई है। कृष्णा, ठीक ही तो कहती है मामी, मैं मनुष्य हूं, बोझ हूं इस घर पे। मैंने आप सबको बहुत दुख दिया है, लेकिन अब और नहीं। लेकिन बेटी, तू कहां जाएगी, क्या करेगी? मुझे ये सब आसान लग रहा है। पता नहीं अज्जी, क्या आसान है क्या नहीं,
जहां मेरी किस्मत ले जाएगी चली जाऊंगी। तो ठीक है, चल मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं अज्जी। कृष्णा, ये मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता है। आपको मेरी कसम है अज्जी, आप यही रहेंगी। चलती हूँ मामा। शादी में वरदक्षिणा की महत्वपूर्ण रस्म होती है। वरदक्षिणा नहीं तो शादी भी नहीं। आई जो फैसला करेगी वही मेरा फैसला होगा। अच्छा होगा कि आप लोग यहां से लौट जाइए। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये इस घर से विदा होगी उसी दिन से इस घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसको जहां जाना है जाए, जो करना है करे, जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ईश्वर तुम्हारा जीवन इतनी खुशियों से भर देगा कि ये सारे जख्म भूल जाओगी। कृष्णा, साई ने कहा था भगवान मेरी जिंदगी में खुशियां लाएंगे, मेरी मुश्किल आसान करेंगे, लेकिन भगवान ने तो मुझसे मेरी सारी खुशियां ही छीन ली। अब क्या करूं मैं, कहां जाऊं? एक ही तो जगह है जहां हर बेसहारे को सहारा मिलता है और सवालों के जवाब भी। तात्या जी। साईं, मेरा एक काम करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है साईं? आदेश कीजिए। साई, साई। कृष्णा, मुझे साई से मिलना है काका। मुझे माफ कर दो कृष्णा, लेकिन साई ने तुम्हें द्वारका माई में आने से मना किया है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? साई तो कभी किसी को मना नहीं करते हैं। ये साई का ही फैसला है। साई,
आप मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे साई? मामी की तरह आप भी मुझे बहुत समझने लगे हैं। साई मेरे तरफ देखिए, भगवान की तरह आप भी मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी मेरा फैसला सुन लीजिए, मैं यही बैठी रहूंगी। जा रही हूं, दोबारा नहीं आऊंगी। कृष्णा, 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 कृष्णा। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगा, भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए, ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई।
शिरडी से आ रहे हैं आप, तो आप साईं बाबा को जानते होंगे। जानता हूँ, पर तुम कैसे जानते हो साईं को? मिले हो उनसे? नहीं, मैं बस इतना जानता हूँ कि साईं मेरे सामने कभी भी आए तो मैं उन्हें तुरंत पहचान लूंगा।